अखंडा
आनंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भोले बांकी बिहारी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरु दीन दयाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले परीक्षित परिवार की जय। बांकी बिहारी उर्ली मनोहर घनश्याम पड़ित विनंदन पीतांबर धारी भगवान श्री श्री कृष्ण की बांग्मयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं और जिनकी छत छाया में बैठ करके 7 दिन तक भक्ति ज्ञान और वैराग्य की गंगा में गोता लगाएंगे। भगवान वेदव्यास जी के श्री चरणों में कोट कोट नमन। जिनकी कृपा से हमें वेदों के खंड 18 पुराण और 19 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं। भगवान श्री वेदव्यास जी के परम प्यारे परम पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं, कोट कोट नमन करते हैं। मंडप पे विराजमान सभी देवता जिनकी प्रातः काल पूजा हुई उन सभी को बार बार नमन और वंदन करते हैं। पूजनीय पितर देव सभी को वंदन करते हैं। पंच पराशीन ब्राह्मण देवता सभी को कोट कोट नमन और सुंदर संगीत को लय देने के लिए संगीतज्ञ उन सभी को बार बार नमस्कार। मेरे प्यारे भाई बंधु स्नेही माताएं बहने सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, कोट कोट वंदन करता हूँ। और आज की पहले दिन की कथा है, मेरा निवेदन है आप सभी से 7 मन छोड़ना ठीक है बनाए रखना ताकि कथा को संपन्न करने के लिए पूरा साथ देना। आइए मंगलाचरण के बाद थोड़ा सा संकीर्तन और संकीर्तन के बाद बताएंगे भागवत महापुराण को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्या कारण है इसका, तो ये सारी बातें आज श्रवण करेंगे। आज भागवत का महात्म मंगलाचरण महात्म ये आदि सभी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए मिलेगी। आइए जय जय राधा रमन गिरधारी हो गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी। Thank you.
चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस कथा के प्रथम प्रवक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। प्रार्थना करते हैं सुखदेव जी महाराज पधारिए, आप स्वयं प्रधार करके और हमें पवित्र पावनी कथा श्रवण कराइए। श्री सुखरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रसादेन मम अज्ञान विनाशय। हे व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज पधारिए और इस पावनी कथा के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा बहती है। एक त्रिवेणी है जिसे स्नान करने के लिए हमें
इलाहाबाद जाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके लिए हमें रिजर्वेशन कराना पड़ता है, बड़ी बड़ी सुविधाओं और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में हम लोग स्नान करते हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हुई है कि वही त्रिवेणी आज सेठिया वाले मोहल्ले में इस पावन जैन सवार में इस प्रांगण में 7 दिन तक अविरल बहेगी और हम सब भाग्यशाली इस अविरल बहने वाली ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में नित्य प्रति स्नान करेंगे। यहां श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, उन्हीं पुराणों में से श्रीमद् भागवत महापुराण जिनका प्रसंग हम सुनने जा रहे हैं। पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला इसको ध्यान देंगे, उठरा मन को घर से, मन को संसार के विषयों से, मन को दुकान से, मन को व्यापार से खींच लाइए और खींच करके ला करके केंद्रित कर लीजिए कथा, क्योंकि कथा भी तब समझ में आएगी जब आपका तन भी यहां हो और मन भी यहां हो। अगर आपका तन ही तन यहां है, मन यहां नहीं है, तो कितना भी प्रवक्ता सरल और शुचि हो, पवित्र हो, कितना भी ज्ञान का भंडार हो, बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तन ही तन है यहां, मन नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपना मन दुकान से, चूल्हे से, चाकी से, जो भी है वहां सबसे खींच करके मन को यहां ले आइए, बुद्धि को यहां ले आइए, अपने शरीर रूपी रथ को ऐसा पावन करिए, इसका सारथी बुद्धि को बनाइए और इंद्रियों के जो घोड़े हैं उनको लगाम दीजिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे भगवान मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाए, क्योंकि मैं पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा श्रवण करने जा रहा हूं। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रीय विनाशाय, 3 कारण बताए पहले श्लोक। क्या बताया? पहला कारण बताया कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद घन है, सब चित और आनंद तीनों चीज अपने में सत मतलब सत्य है, परमात्मा सत्य है, सचित चित मतलब सुंदर, आनंद मतलब आनंद स्वरूप। तीनों बात क्यों है? क्योंकि तीनों बातों के बिना बात नहीं बनती है, इनमें से एक भी बात को हटा दीजिए तो बात नहीं बनेगी। इसलिए परमात्मा सत भी है और सुंदर भी है और आनंद के दाता भी है। दूसरा कारण बताया, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, परमात्मा ही विश्व की उत्पत्ति का कारण है। हम जब सृष्टि प्रकरण में जाएंगे तो श्रवण करेंगे कि भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से नव ऋषि और नव ऋषियों से हम आप सभी उत्पन्न हुए। इसलिए सृष्टि का कारण क्या है? परमात्मा। सृष्टि का कारण क्या है? भगवात्मा, भगवान। सृष्टि का मूल क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, उन्हीं की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। आज समय मिला वहां तक पहुंच गए,
तो आज चतुर्श्लोकी जो हमारे भागवत है, चतुर्श्लोकी भागवत, उसका विवेचन आपको श्रवण कराएंगे। चतुर्श्लोकी मतलब चार श्लोकों में ये भागवत भगवान नारायण ने किसको सुनाई, ब्रह्मा जी को सुनाई, और उसका बड़ा सुंदर विवेचन आगे करके हम चलेंगे। तो पहला कारण सच्चिदानंद घन है परमात्मा, दूसरा कारण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का भगवान ही कारण है। गीता के अगर गीता पढ़ते हैं, एक बात बताऊं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि गीता क्या है और भागवत क्या है। कई लोग भागवत को ही गीता समझ लेते हैं और गीता को ही भागवत समझ लेते हैं। जो गीता है वो उसका प्राकट्य हुआ है महाभारत से। महाभारत में जब मन विचलित हुआ अर्जुन का, और उसने कहा प्रभु मैं इन लोगों को कैसे मारूं, ये तो मेरे स्वेदा है, ये मेरे अपने हैं, इनमें मेरे दादा हैं, इसमें मेरे ताए हैं, चाचे हैं, फूफा हैं, भाई हैं, जीजा हैं, और मेरे गुरुदेव हैं, जिनकी गोदी में मैं पला पड़ा पड़ा हुआ, वही मेरे सामने दस बाण लेकर के खड़े हैं। आप कहते हैं पर बाण चला, अरे मैं इनके ऊपर बाण चलाने की तो क्या, मैं तो इनकी तरफ जो है घूर करके भी नहीं देख सकता। तब भगवान ने देखा कि वो उत्पन्न हुआ तो वो गीता सुनाई, उसको कहते हैं गीता, उसका नाम है पूरा श्रीमद् भगवत गीता, और इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका श्रीमद् भागवत महापुराण नाम क्यों पड़ा, कोई नाम और भी रख लेते तो रचना की इसकी बाद में बताएंगे आगे चल के कैसे रचना हुई, कैसे कारण बना इसकी रचना का, भागवत की रचना का कारण क्यों बना, ये बताएंगे आगे चल के। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जब नाम रखा गया, वेद व्यास जी ने इसका सृजन किया, परमेश्वर से भगवान नारायण से स्वीकृति लेने के लिए गए, हे प्रभु हमने ये ग्रंथ रचा है, इसका नाम है भागवत, श्री भागवत महापुराण। लक्ष्मी जी बगल में बैठी थी, लक्ष्मी जी कहने लगी आपने नाम तो रख लिया लेकिन मेरा नाम तो है ही नहीं। भागवत का मतलब क्या है, भगवान के समान। कैसे भगवान के समान है आगे चल के हम बताएंगे आपको। भागवत का मतलब भागवत, वत माने जैसा, भाग माने भगवान, कैसा, भगवान के जैसा। तो आपने नाम रख लिया भगवान के नाम पर, लक्ष्मी जी कहती है मेरा नाम तो रखाई नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं मैंने स्त्री लगाया है जी, और जो स्त्री है वो लक्ष्मी का ही द्योतक है, लक्ष्मी का ही रूप है, इसलिए माते स्त्री लगाया है कि नहीं स्त्री सी से काम नहीं चलता, तो फिर श्रीमद लगाया गया तो हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं, इसमें 12 स्कंद हैं, और बड़ा पावन ग्रंथ है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का कारण कौन, परमात्मा भगवान, जिनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सब संसार। तीसरा कारण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि ताप क्रिय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों से दुनिया जल रही है, कौन कौन से, दैहिक दैविक भौतिक है। लिखा है रामचरितमानस में क्या लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, I'm not afraid of the dark.
और भौतिक तीन प्रकार के ताप है। दैहिक मतलब जो शरीर को कष्ट है वो दैहिक ताप है। दैविक मतलब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। कोई सर्दी तेज हो गई, जैसे इस साल सर्दी बहुत पड़ी, अधिक सर्दी पड़ी, तो ये ताप हुआ कौन सा? दैविक ताप। दैहिक ताप शरीर को कष्ट हुआ, दैविक देवताओं के द्वारा, देवताओं के प्रदत्त बीमारी शरीर का कष्ट। दैव प्रदत्त कोई टिड्डी आ गई, कोई ओलावृष्टि हो गई, कोई अतिवृष्टि हो गई, कोई और कोई मुश्किल आ गई, वो है दैविकता। भौतिकता, भौतिकता क्या है? भौतिकता है मतलब कोई खाने पीने की व्यवस्था में कमी है, भोजन की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है। तो ये तीनों तापों को मिटाने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का कारण और तीनों तापों को मिटाने वाला दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, इन तीनों तापों को मिटाने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इसकी छत्र छाया में जो इंसान आता है उसको न दैहिक ताप होता है, न दैविक ताप होता है, न भौतिक ताप होता है। तीनों तापों से मुक्त हो जाता है वो इंसान जो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का मतलब होता है हम सब मिल करके श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार बोलिए बांके जय। कंजूसी नहीं चले थे, सब जगह चले, यहाँ नहीं चले, बोलो बांके। अभी भी मजा नहीं है, बोलो बांके। परमात्मा का नाम लेते हैं हम और परमात्मा हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और भागवत का तो अभी कथन आएगा कि जैसे ही हम भागवत का विचार करते हैं सुनने का, वैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी एक जैसे ताला लगा दिया अंदर बंद करके, इस तरह से स्वयं इच्छा भी नहीं होती भगवान के जाने की, क्योंकि यहाँ भक्ति महारानी की कृपा है, जहाँ भक्ति वहां भगवान। इसलिए आइए आगे को चलते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय। यम प्रवजंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का दुर्याज भाव, सर्वभूत हृदय मुनिमान तो श्री चिन सुखदेव जी महाराज का अभी जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। और जन्म होते ही अभी नाड़ छेदन नहीं हुआ, कंधे पर डाल लिया नाड़ और चल दिए बन की तरह। कारण क्या? सुखदेव जी महाराज के बारे में बड़ी विचित्र बात है, जन्म लेते ही बन को चल दिया। कारण क्या? इन्होंने मैया पार्वती के गर्भ में पहले ही, जब मैया पार्वती भगवान से कहा, भोलेनाथ से, कहां पर कहा? कैलाश पर। क्या कहा? कि हे प्रभु, आपके गले में ये मालाएं पड़ी हैं और ये मालाओं की गिनती 108 है। समझिए, सुनिए, हम जो है थोड़ा पीछे ले जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरित्र के बारे में। सुखदेव जी महाराज ऐसे कैसे बच्चा जन्म लेते ही कैसे उठ के चल देगा? चल सकता है कोई? है ना?
सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने साल तक रहे? 12 साल। कारण क्या? कारण ये था, मैया पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु आपके गले में मुंड वाला है और ये मुंड वालाएं 108 ही क्यों है। अब मैया को भी पहले इस बात का पता नहीं था, लेकिन मैया को भी आकर के चेता गए थे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज आए और कहने लगे, मैया बोले ना तुमको सब भेज देते हैं यहां, सब देते हैं, सब देते हैं यहां, सब देते हैं। तो उनके गले में मुंडों की माला जो पड़ी है वो 108 ही क्यों है, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, ये तो बताया नहीं है, ये बताएंगे भी नहीं आप, क्यों नहीं बताए, बस बात गुप्त है वो। अब स्त्री को ये बात कह दो तो उसके तो मन में तो कुछ और ही होने लगता है, मैया पार्वती के मन में भी और कुछ होने लगता। मैया पार्वती जैसे भोलेनाथ आए, मुंह बना लिया, जब मुंह बना लिया तो भोले बाबा समझ गए कोई ना कोई बात है। मैया को बुलाया तो मैया अच्छी तरह बोले, भोलेनाथ ने कहा कहीं या नारद जी तो नहीं है, यहां आए तो बस वो ही कुछ कुछ कर रहे। बात क्या है प्रिय, आप ऐसे क्यों करते हो? भैया पार्वती कहने लगे, आप हमसे बात छिपाते हो। हमने क्या बात छिपाई आपसे? क्या ये बताइए, आपके गले में मुंड माला पड़ी है, ये इनकी संख्या क्या है? 108 है। ये 9 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है? तो चुप पड़ गए। भैया कहने लगे, फिर तो कोई ना कोई भेद है, आप बता नहीं रहे। तो भगवान को डर गए, मैं बता नहीं सकता कि बता नहीं सकते तो बताना ही पड़ेगा। अब किसी को जगह तो हम बता नहीं सकते तो फिर बताना ही पड़ेगा। तो मैया पार्वती जिद कर बैठे। भगवान ने कहा, देवी मैंने अमर कथा सुनी हुई है। क्या सुनी है? यह अमर कथा। और अमर कथा सुनने के कारण मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं। और आप जो है बार बार जन्म लेती हैं, जब जब आप जन्म लेती हैं और जब जब शरीर छोड़ती हैं तो मैं आपकी मुंड माला गले में धारण कर लेता हूं, इसलिए 108 बार आपका जन्म हो चुका है और 108 मुंड माला मेरे गले में पड़ी हुई है। भैया कहने लगी, भगवान आप अजन्मा हैं और मैं बार बार जन्मती हूं, मुझे भी कुछ ऐसा कर दो कि मैं भी अजन्मा बन जाऊं, मेरे को भी बार बार जन्म लेना पड़े। क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोपालम भज मूढ़मते। बार बार जन्मना, बार बार मरना कौन सा अच्छा है, कौन सा सोखा है? इसलिए हे प्रभु मुझे भी वो वर दो, मुझे भी वो ज्ञान दो, मुझे भी वो मंत्र दो जिससे मैं भी अजन्मा बन जाऊं। भोले भगवान कहने लगे, प्रिय बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सिंगनी का दूध दुहने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए, सिंगनी का दूध दुहने के लिए कैसा पात्र चाहिए? स्वर्ण पात्र। क्योंकि सिंगनी का दूध कहीं धरती पर गिर गया तो धरती फट जाएगी, पत्थर पर गिर गया तो पत्थर फट जाएगा। ऐसे ही ज्ञान को रखने के लिए, ज्ञान को संभालने के लिए भी स्वर्ण पात्र चाहिए। क्या आपके पास है? भैया पार्वती कह रहे, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है, बताइए आप क्या कमी है मेरे में? कि ठीक है हम सुनाते हैं आपको अमर कथा और आप सुनिए। मैया ने कहा सुनाइए। मैया ने कहा, भगवान ने कहा कि ठीक है आप बीच में हो हूं करते रहना ताकि आपको याद ना आए या आपको नींद ना आए। मैया ने कहा ठीक है हम हो मुंह करें, हाँ 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 हम करते रहे। अब भगवान ने कथा प्रारंभ की और मैया ने हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं करती, लेकिन जब कथा का रस आया, जब दसवें स्कंद
आधा सा निकल गया तो मैया को क्या हो गया? नींद आ गई। अब नींद आ गई तो भगवान कहीं कथा न बंद कर दें, ऊपर एक कपोत का बच्चा और वो जो है पहले अंडे में था, अंडे में से निकला। कथा सुनाने से पहले भगवान ने सब अनुचरों को भगा दिया था, वहां कोई नहीं रहा, किसी को नहीं छोड़ा। आप जाते हो तो कहीं शेषनाग है, कहीं नंदी है, कहीं कोई है, अमरनाथ जाते ना वहीं तक सुनाई थी कथा, तो वहां पर कोई नहीं रहा, एक अंडा रह गया था। अंडा कथा सुनते सुनते अंडा पक गया, फट गया, उसमें से बच्चा निकल गया। जब भैया ने होंकरा बंद कर दिया तो उस बच्चे ने होंकरा शुरू कर दिया, कथा चलती गई और वो बालक सुनता रहा। लेकिन मैया की जब आंखें खुली तो मैया ने कहा, हे भोलेनाथ, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया उसके बाद क्या हुआ? भगवान कहने लगे, मैं तो सारी कथा सुना चुका, तूने सुनी नहीं कि नहीं? मेरी तो आंख लग गई, देखो नींद आ गई। नींद आ गई तो कथा किसने सुनी? हूं कौन कर रहा था? प्रभु ने त्रिशूल उठाया, मेरी अनाधिकारी मेरी कथा सुन लिया। कौन सुन गया? अनाधिकारी। रामायण में लिखा है, ये न कहिए सत ही हठ सी नहीं, जो मन लाए न सुने हरि लीला। मूर्ख को मत सुनाओ ये कथा, जो हटी है उसको ये कथा मत सुनाओ। जो मन लगा करके नहीं सुनता है उसको ये कथा मत सुनाओ। तो अधिकारी कौन है? कि राम कथा के ते ही अधिकारी, जिन कहूं सत्संग प्यारी, जिनको सत्संग प्रिय है। एक जगह लिखा है, सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलं नयनद्वयम्, यस्य नास्ति सो अंदर स कथं स्याद मार्गद। हमारी दो आंखें हैं, ये वाली नहीं, क्योंकि जब खत्म होगा शरीर की लीला तो चिता में जल करके ये आंखें भी चल जाएंगी। मार्ग कैसे ढूंढेंगे, फिर रास्ता कैसे ढूंढेंगे? तो फिर सत्संग और ज्ञान रूपी आंखें ही हमको रास्ता बताएंगे, क्योंकि ये शरीर जल जाएगा, हमने जो ज्ञान लिया है वो नहीं जलेगा। उसको कोई अग्नि नहीं जला सकती जो ज्ञान है आपके पास में। नयनम दहयति शस्त्राणि, न कोई आग जला सकती है। नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कोई धूप सुखा नहीं सकती उस ज्ञान को जो आपके पास है, कोई आग जला नहीं सकती। और सुनो, न राज हार्य न चोर हार्य, न भाक भाज न करो तो भारम। कोई राजा टैक्स नहीं लगा सकता, तुम्हारे पास ज्ञान है तो। सुना कभी कि कोई ज्ञानी बड़ा ज्ञानी हो गया और राजा ने टैक्स लगा दिया? रोई राजा टैक्स नहीं लगा सकता। कभी ये नहीं सुना होगा उसके पास ज्ञान था, कोई चोर आया चुराने गए, कोई चुरा नहीं सकता। कभी ये नहीं सुना होगा उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया, पढ़ लिख गए बहुत ज्यादा, और भाई आया और भाई ने बंटवारा कर लिया, आधा भाई ने ले लिया। न राज हार्य न चोर हार्य, न भ्रात भाज्य न क्रोध भारम। कोई ये भी नहीं सुना होगा तो ज्यादा पढ़ गया, ज्यादा लिख गया, ज्यादा ज्ञान ले लिया, इसलिए बोझ के मारे हार गया, ऐसा भी नहीं सुना। इसलिए ये धन ऐसा धन है, कौन सा धन? भक्ति का धन, ज्ञान का धन। यहां कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, हर चीज में साइड इफेक्ट है। तुम रोटी ज्यादा खा लो बीमार हो जाएंगे, तुम घी ज्यादा पी लो बीमार हो जाएंगे, तुम दूध ज्यादा पी लो टट्टियां लग जाएंगी,
तुम जो भी ज्यादा चीज खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, छुआरे खाओ, जो मर्जी ज्यादा खा लो, बीमार हो जाओगे। लेकिन ज्यादा पढ़ो, ज्यादा विद्या अर्जित करो, ज्यादा ज्ञान अर्जित करो, यहां कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्या है? तो ज्ञान के नेत्र हमारे पास हैं, तो हम मरने के बाद भी रास्ता ढूंढ लेंगे। और ज्ञान वाले नेत्र नहीं है तो यहां भी अंधेरा है भैया, और वहां भी अंधेरा है। इस जन्म में भी अंधेरा है और अगले जन्म में भी अंधेरा है। मैया को ज्ञान देने के लिए भगवान ने अमर कथा जैसी पवित्र पावनी कथा सुनाई, लेकिन मैया को आ गई नींद, और मैया को नींद आ गई तो कथा सुन गया अनाधिकारी। भगवान ने शस्त्र उठाया, त्रिशूल उठाया, दौड़ पड़े पीछे। कबूत का बच्चा भागा, दौड़ा, दौड़ करके ब्याज जी की पत्नी जमाई ले रही थी, उनके मुंह में छिड़ा। भगवान शिव ब्यास जी के दरबार पे खड़े चिल्ला रहे हैं, हे ब्यास जी, तुम्हारे कुटिया में मेरा चोर आया है। ब्यास जी ने पूछा, आप तो भिक्षा टन करके अपना जीवन यापन करते हैं, तुम्हारी क्या वस्तु चुरा ली? केले मेरी कथा चुरा ली। कौन सी कथा चुरा ली? ये अमर कथा सुना ली। ये जिसने अमर कथा ही सुन ली उसको आप मारेंगे? बोलो ना, जिसने अमर कथा ही सुन ली उसको कोई मारेगा कैसे? लज्जित होकर के बोले ना लौट। भगवान व्यास जी की पत्नी ने गर्भ धारण किया, साल हो गए, दो साल हो गए, तीन साल हो गए, चार साल हो गए, पांच साल हो गए, छह साल हो गए, उधर वृद्धि होती गई। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर निकलो। सुखदेव जी कहते हैं, न निर्मतमिच्छामि बहिर्गर्भा कदाचन यत्र जातस्य मे पापः कर्मणा दुर्गति भवे। नहीं, मैं नहीं बाहर निकलता। क्यों नहीं निकलते? यत्र जातस्य, जहां जन्म लेने से पाप करने पड़ेंगे, दुर्गति हो जाएगी। मैं नहीं जन्म लेता, माया खड़ी होगी भैया वर्ण करने के लिए, मैं नहीं बाहर आता। जीव को देखो, जीव 84 लाख योनियां भोगता है, 84 लाख योनियां भोग करके 84 लाख नरक भोगता है, 84 लाख योनियां भोगता है, फिर माता के पेट में 9 महीने उल्टा लटकता है। बताओ, इतना दंड देने पर भी उसको कुछ रह गया? शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, लेकिन धरती पे आते ही अपवित्र हो जाता है। रामचरित मानस में लिखा है, भूमि परत भा डावर पानी जिन जीवें माया लपटाने। पृथ्वी पर आते ही वो जल जो वाष्पीकरण के द्वारा उठा, उठ करके आकाश में गया, वर्षा के द्वारा धरती पर आया, और जैसे ही धरती पर संवर उसका संयोग हुआ, मैला हो गया, गंदा हो गया। भूमि परत भाडा माता के पेट में अंबुदर में लटक करके 6वें महीने से भगवान की स्तुति करता है। बताएंगे विस्तार से जब हम चरित्र सुनाएंगे तृतीय स्कंद का, तो उस समय बताएंगे जीव की यह दशा, या शॉर्ट में बताते हैं।
शुद्ध वास्तविकरण होकर के पानी जाता है, धरती पे आते ही मैला हो जाता है। जी वैसे ही माता के गर्भ से उदर से जन्म लेता है, जन्म लेते ही मैला हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि घेर लेते हैं। जन्म लेते ही बच्चे को माया में डाल दिया जाता है। पुत्र मेरे वल वेख में दादियां, पुत्र मेरे वल वेख में ताइयां, मैं नानियां, मैं मासी, मैं पुआ, मैं तेरी चाची। अरे भैया इतनी सी गर्दन है, इतने रस्से उसके गले में डाले जाते हैं, इसी को तो माया कहते हैं। और किसको माया कहते हैं? इसी को माया कहते हैं। तो ये माया बहुत तंग जीव को करती है। भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं पुत्र बाहर निकलो, लेकिन वो कहते हैं ना निर्गत मिक्षा में वही गर्भा कदाचन यत्र जातस्य मे पापः कर्मणा दुर्गति भवे। जहां जन्म लेने से दुर्गति हो जाए मैं नहीं आना चाहता। लेकिन खुद भगवान नारायण ने जब आकर के कहा बेटा माँ जो है भगवान के ही समान है, जब माँ को कष्ट है तो भगवान को कष्ट है, इसलिए आप बाहर आइए। सुखदेव भी कहते हैं आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे वायदा करो कि मैं माया से लिप्त ना हूं। भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद तू माया से लिप्त नहीं होगा। तो जन्म हुआ उनका। तो आते हैं इस श्लोक पर। यम प्रवजन्ति मनोपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातुरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वे भिन्नम् परमात्मा ने पूरा आश्वासन दे दिया बेटा तुम बाहर आओ मेरी माया तुमको नहीं लगेगी। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म हुआ तो नार डाला कंधे पर और चले वन की तरफ। बेटा 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 कहकर के वेद व्यास जी पीछे जा रहे हैं लेकिन एक बात नहीं सुनी और वन में चले गए। ऐसे व्यास जो जन्म से ही क्या बन गए साधु, जो जन्म से ही पर ब्रह्मजंत बन गए, ब्रह्म का चार्य बन गए, ऐसे भगवान श्री सुखपुत्र श्री व्यास पुत्र के चरणों में कोट को नमन करते हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। तो नैमिषे सूतमासीना मविद्याद महामतिं कफामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। वेदव्यास जी के परम श्री शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज और इन 18 पुराणों की सारी कथा सूत जी महाराज ने ही
88 अध्यायों ऋषियों को सुनाया। कहां पर सुनाई? नैमिषारण्य तीर्थ। सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है। आप कभी गए हो तो स्वर्णकार ऋषि प्रार्थना करते हैं क्या ज्ञान दंत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण सायम। कितना भी बड़ा अंधेरा हो जब सूर्य उदय हो जाता है तो पता नहीं अंधेरा कहां चला गया। ऐसे ही मन में जो अंधेरा है, हमारे तन में जो अंधेरा है, गुरु जी के वचनों का जो सूर्योदय होता है, समझ रहे हो? जब गुरु जी के वचनों का सूर्योदय होता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तो हृदय का सारा अंधकार अपने आप ही क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इसलिए जैसे करोड़ों सूर्य से प्रकाश होता है, ऐसे ही गुरु की वाणी से प्रकाश होता है। हे गुरुदेव, हम आपकी शरण हैं। पहला दाता शिष्य है, पहला दाता शिष्य है, जन तन मन धन की ओ भेंट, और दूजा दाता गुरु है जो देवे ज्ञान समेत। पहला दाता कौन है? सिख, जिसने कहा हे गुरुजी, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, न मेरा तन है, न मेरा मन है, और न मेरा धन है। अब ये माया भी तीन जगह से ही व्याप्ती है। हमको जो माया तंग करती है, या तो तन से करती है, या फिर मन से करती है, या फिर धन से करती है, और ये तीनों ही चीज हमने अगर गुरु को सौंप दी, हमारे पप्पू जी सोच रहे हैं कि घुमा घुमा के ऐसे न ले आए कि वो सारा सोना जो रखा है हमें दे दो, ना हमें नहीं चाहिए। तन मन और धन ये तीन चीज ही ऐसी है जो हमें तंग करती है, और ये हमने गुरु को समर्पण कर दिया। देखिए एक बार बताऊंगा आपको, बड़ी समझ। अष्टावक्र जी महाराज, जो अष्टावक्र गीता के बड़े प्रबोधज्ञ थे, जनक की सभा में, जनक की सभा में गए तो लोग उन पर हंसे, तो वो भी हंस पड़े। जनक जी ने घोषणा की थी कि मेरी गद्दी पर बैठ करके मेरे से बड़ा ज्ञानी बन करके कोई मुझे ज्ञान से लाए, मैं उसको जो है सब कुछ दे डालू। अष्टावक्र जी पहले और गए, लेकिन जनक से ज्ञानी कौन हो? जनक बड़े ज्ञानी थे, जिनको विदेह कहते थे। विदेह का मतलब शरीर भी जिनका अपना नहीं है। तो उनकी गद्दी पर जाकर के अष्टावक्र जी बैठ गए, आठ जगह से टेढ़। अष्टावक्र जी इतने ज्ञानी थे कि गर्भ में जब थे और उनके पिताजी श्लोक बोल रहे थे, उन्होंने अपने पिताजी को टोक दिया, पिताजी गलत बोल रहे, पिताजी ने श्राप दे दिया, पेट में ही ऐसा है, बाहर आके क्या करेगा, तू आठ जगह से टेढ़ा हो जा। इसलिए अष्टावक्र नाम था। जनक जी की गद्दी पर आके बैठ गए, लोग हंसे, वो भी हंसने लगे, लोग हंसे तो वो भी हंसने लगे। जब हंसी शांत हुई तो जनक जी ने पूछा, महाराज आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी कहने लगे, मैं ये पूछूं कि पहले ये लोग क्यों हंसे? तो जनक जी कहने लगे, महाराज ये तो इसलिए हंसे कि आप आठ जगह से टेढ़े हैं और गद्दी पे गुरु जी की पे बैठ गए। तो अष्टावक्र जी कहने लगे, फिर मैं कह नहीं सकता वो शब्द किया कहा उन्होंने कि ये चर्म की पहचान करने वाले हैं, चर्म की
चर्म समझते हो, चमड़ी की पहचान। चर्म की पहचान करने वाले इन इंसानों को देख करके मैं हंस गया, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की पहचान नहीं की, इन्होंने काय की पहचान की, चर्म की पहचान की। ये सुंदर नहीं है, तीन जगह से आठ जगह से टेढ़े हैं, अष्टावक्र हैं, इसलिए इनको देख करके हम हंस। तो मैं इनको जो चर्म की पहचान करने वाले हैं इनको देख करके मैं हंसा। जब उनका सत्संग हुआ सब चुप हो गए और जनक जी ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। लेकिन वो तो ठेले फकीर, उन्होंने कहा ठीक है मेरा, लेकिन अब मेरे की रखवाली आप करोगे। तो तन मन धन किसका? गुरु का। और गुरु का तन मन धन समझ करके उसकी रक्षा करें, उसकी रखवाली करें। गुरु की कृपा जब होती है तो सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कथामृत का आनंद हमें दीजिए हे सूजी महाराज, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा बहे, ऐसी गंगा बहाइए। इस घोर कलयुग में सार क्या है ये बताइए हमें। श्रेय से भी श्रेय, सुंदर से भी सुंदर, बढ़िया से भी बढ़िया कोई चरित्र है तो हमें बताइए। हमने सुना है दुनिया में दो चीज बड़ी अमोलक हैं, कौन कौन सी चीज अमोलक है? एक है चिंतामणि। चिंतामणि क्या करती है? चिंता को दूर कर देती है। दूसरा सुरद्रह, कल्पत्रम, कल्प वृक्ष, जिसके नीचे जो बैठ के मांग लो वही मिल जाता है। दुनिया में दो चीज बड़ी बताई क्या? एक कल्प वृक्ष और एक मणि। लेकिन ये मणि संसार के भोग दे सकती है, पर इससे कहो भगवान को मिला दो तो नहीं मिला सकती। कल्प वृक्ष संसार के भोग दे सकता है तुम्हें, तुम कहो हमें तो जलेबी चाहिए आ जाएंगी, तुम कहे रसगुल्ला चाहिए आ जाएंगे, तुम कहे महल बन जाए बन जाएंगे। जो संसार की वस्तु है वो मांग सकते हैं, कल्प वृक्ष से मिल जाता है। लेकिन कल्प वृक्ष से अगर कहा जाए कि हमें परमात्मा को मिला दो तो नहीं मिलाएगा। लेकिन गुरु ऐसा है जो मणि नहीं दे सकती, जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता वो वस्तु गुरु प्रदान कर देता है। इसलिए संसार में गुरु बड़े हैं और आप हमारे गुरु स्वरूप हैं, इसलिए गुरु कृपा कर दे तो योगियों को जो दुर्लभ है वो वैकुंठ भी मिल जाए, गुरु कृपा कर दे तो परमात्मा भी मिल जाए। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है आप जानते होंगे, ये गुरु गोविंद दो खड़े और मैं का के लागू पाए, हो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी मैं आपकी बलिहारी हूं जिन्होंने गोविंद मिला दिया, जिन्होंने परमात्मा मिला दिया, इसलिए गुरु कृपा करते हैं तो गोविंद मिल जाता है। सूत जी कहने लगे ऋषियों तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, कलयुग का सार पूछा है, संसार काल रूपी ब्याल के गाल में जा रहा है। ब्याल समझते हो? ब्याल किसको कहते हैं? सांप को। संसार काल रूपी ब्याल के गाल में जा रहा है नित्य निरंतर, कोई जन्म रहा है तो कोई मर रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। श्रीमद् भागवत महाशास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। इस दुनिया पर अगर कोई सार है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो इतना सुंदर फल देने वाला है कि जिसका क्या वर्णन करें, जिसकी चर्चा करने का जो कथा करने का जब मन बनाया, पर
परीक्षित जी को सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने, तो क्या हुआ वहां कि सुधाकुंडित्व देवा तत्र समागता। अमृत का कलश लेकर के वहां पर देवता लोग आ गए। जब देवता लोग आ गए तो देवताओं से पूछा, हाँ जी आपको तो बुलाया नहीं, आप आगे से गए। तो उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, ऐसा करो हम तो विनिमय करने आए, विनिमय समझते हो, जो अर्थशास्त्र पढ़े हैं वो जानते होंगे विनिमय क्या होगा। विनिमय का मतलब होता है व्यापार, व्यापार करने आए। भाई व्यापार यहाँ तो कथा हो रही है, या व्यापार का क्या काम, या तो कथा शुरू करने लगे हैं, या व्यापार का क्या काम है। क्योंकि प्रभु हम तो व्यापार ही करने आए, व्यापारी है, काय का व्यापार करने आए हैं। ये राजा परीक्षित को सांप लगा है कि सांप के डसने से मर जाएगा। हमारे पास अमृत का कलश है और हे प्रभु कथां सुधां प्रयक्षः ग्रहीतैव सुधामिवां। आपके पास एक अमृत है, एक हमारे पास अमृत है, एक अमृत हम स्वर्ग से लेके आए हैं जो समुद्र मंथन से पैदा हुआ था, और एक का अमृत है आपके पास। आपके अमृत का नाम है कथा अमृत। क्या नाम है बोल दिया करो, कथा अमृत, कथा रूपी अमृत। हमारे पास है स्वर्ग का अमृत। अब स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो, ये मरेगा नहीं, तश्चंदा नहीं रस ले। और कथामृत आप इसके बदले में हमें पिला दो। सुखदेव जी कहने लगे, भैया राजा परीक्षित अब तू विचार कर, कथामृत सुनना चाहता है या अमृत पीना चाहता है। कथामृत का क्या फल है, अमृत का क्या फल है? कथामृत यह है कि मरने नहीं दू, और अमृत का क्या फल है? अमृत का फल है कि मरने नहीं देगा, और कथामृत का क्या फल है कि वो परमात्मा से मिला दे। कथामृत तो परमात्मा से नहीं मिला सकता, परमात्मा से मिला सकता है तो अमृत ही मिला सकता, कथामृत ही मिला सकता। इसलिए राजा परीक्षित ने मना कर दिया, मेरे को ये वाला स्वर्ग वाला अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो आपका कथामृत चाहिए। तो सुखदेव जी ने बना दिया देवताओं को, जाओ भैया हम नहीं तुम्हें सुनाते, हम तो राजा परीक्षित को ही सुनाएंगे। अब ये बात सुनी देवताओं ने, देवता बड़े परेशान हो गए। देवता शिकायत लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज देखो वो व्यास नंदन सुखदेव, उसको देखो तो सही, हम अमृत का कलश लेकर के गए और कहा कि देखो ये अमृत पिला दो और कथामृत हमको पिला दो, हमको कथामृत नहीं पिलाया। इतनी गलत बात है, इतना अहंकार उनको। कहने लगे, भैया पहले ऐसा है, थोड़ा देर इंतजार करो, 7 दिन का, 7 दिन में देखो परिणाम क्या निकलता है। जो कथामृत वो पिला रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलता है। तो 7 दिन बाद परिणाम क्या देखा कि राजा परीक्षित ने कथा सुनी और सुन करके वैकुंठ को विमान पर बैठ करके चले गए। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कथामृत जिसको श्रवण करने से राजा परीक्षित जो शापित था, क्या था शापित, ब्राह्मण के द्वारा शापित जो होता है उसकी गति नहीं होती है। ब्राह्मण के द्वारा शापित हुए सगर के 60,000 पुत्र इतने दिन तक पकड़े रहे गंगा सागर में, गति नहीं हुई। जब गंगा जी लेके आए भगीरथ जी तब गति हुई। अब कोई ब्राह्मण के द्वारा शापित है राजा परीक्षित, लेकिन भागवत श्रवण करने से उसकी गति हुई, उसको विमान ले गया, उसको चतुर्भुज हो गया, वो बैकुंठवासी बना, भगवान का सामीप्य सारूप्य सायुज्य सब मुक्तियां उसने सुलभ कर ली। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, इतना
इतना प्रभाव भागवत का, अरे लाओ लाओ सारे और साधन लेके आओ। और एक प्रलय में भागवत रखते हैं, एक प्रलय में सारे साधन रखते हैं, दूसरे दुनिया के साधन है वो सबको एक प्रलय में रखते हैं, एक प्रलय में इधर उसको रखते हैं। देखो किसमें भार ज्यादा है, तो भागवत जी धरती से उठी नहीं और वो सारे उसमें चढ़ गए, दूसरे साधन जितने भी थे यज्ञ आदि के जितने भी साधन थे चढ़ गए, वो पल्ला उठाई नहीं, भारा इतना। इसलिए राजा परीक्षित को कथा सुनाई और उसको देवताओं को नहीं सुनाई। तो किसी ने पूछा महाराज ये कथा का विधान क्या है, किसी सत्ता का विधान है, सात दिन में सुनना चाहिए, आठवें दिन अवर करना चाहिए। आजकल लोग शॉर्ट मार लेते हैं, छह दिन कथा करी, सातवें दिन अवर कर लिया, उसी दिन राधे राधे कर दी। सात दिन कथा सुनते हैं, आठवें दिन अवर होता है, ठीक है, इस तरह से विधान होता है। तो किसी ने पूछा महाराज जो नारद जी थे उनको तो साफ लगा हुआ था कि वो ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, फिर उन्होंने बैठ करके कथा कैसे सुन ली सात दिन। तो आश्चर्य की बात है जिनको साफ लगा है कि जो ढाई घड़ी से कहीं ज्यादा ठहर नहीं सकते उन्होंने कथा कैसे सुन ली। और नारद जी तो वैसे भी विरागी थे, उनको कथा की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये कृपा करके हमें बताइए नारद जी ने कथा क्यों सुनी, कहां सुनी, किस कारण से सुनी, और जो ढाई घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकते थे वो सात दिन कैसे बैठ के कथा सुन ली। तो शिव जी कहते हैं ऋषियों इसके लिए मैं तुम्हें सुंदर इतिहास सुनाता हूं। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थ समायता यदस्तत्र नारद। एक दिन सनकाद ऋषि घूम रहे थे कि कहीं सत्संग करें, सत्संग करें, क्योंकि सत्संग का बड़ा लाभ दुनिया में सच्ची सुलभ है, लेकिन सत्संग का बड़ा मुश्किल है। और सत्संग जिसको सुलभ है वो इंसान का जीवन भी धन्य है। तो फिर रहे हैं घूमते नारद जी कि सत्संग में जाए। एक नारद जी सॉरी घूम रहे हैं सनकादि ऋषि। ये सनकादि ऋषि कौन थे आप जानते होंगे, चत्वार ऋषयो अमला, ब्रह्मा जी के चार पुत्र पैदा हुए, सबसे पहले यही पुत्र पैदा हुए चार। और इन चारों पुत्रों को ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये काम हमसे नहीं होगा। कह लगे क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो बच्चे पैदा करो, हाँ फिर क्या होगा कि और बच्चे पैदा होंगे, फिर क्या होगा कि उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर क्या होगा उनके भी बच्चे पैदा होंगे, तो क्या कोई मरेगा तो नहीं कि हम मरेंगे तो सही, तो मरेगा तो रोएगा कौन के जिनके बच्चे होंगे वही रोएगा। ऋषियों ने कहा फिर ऐसा काम क्यों करें जिसके लिए रोना पड़े, इसलिए हम नहीं ये काम में चक्कर में पड़ते, पवित्र रहते हैं। एक दिन सत्संग के लिए घूम रहे हैं, लालायित हो रहे हैं, तो विचार करने को ही हमें सत्संग के लिए मिल जाए। गा रहे हैं भगवान के सामने हे प्रभु सत्संग का कोई ऐसा प्रेमी मिला दो। नाम तेरा है तारनहारा, बड़ा प्यार सा भजन है मेरा, बड़ा प्यारा लगता है मुझे भी, आपको भी लगेगा, मेरे साथ गुनगुनाइएगा सभी और मेरे भाई सब साथ दें। नाम तेरा है तारनहारा, वो कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
सामने से नारायण जी संत को जब संत मिले तो बड़ा आनंद होता है। संत को संत के दर्शन हो गए। संत कौन? सनकादिक ऋषि। और संत कौन? नारायण जी। नारायण जी को देख करके बड़े खुश हुए सनकादिक ऋषि। एक तो भाई और दूसरे संत मिल गए। लेकिन मुंह की तरफ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि मुंह लटका हुआ था। नारद जी हर समय परमात्मा के नाम में रमण करने वाले, नारायण नारायण जपने वाले, आज मन दुखी है। आज मन की जो है गति पता नहीं क्या है, मुंह लटका हुआ है। तो कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मंडी नमुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तथा तव। हे नारायण जी, सदा नारायण नारायण रचने रटने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, आज तुम्हारा मन कैसे उदास है, क्यों दुखी? जल्दी जल्दी जा रहे हो, कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो, हमें भी तो बताओ।
तो नारद जी ने अपनी कथा सुनाई, महाराज सुन, अहम हि पृथ्वी या तो ब्रह्मधाम छोड़ करके पृथ्वी पर आया था। क्यों आया था? इसलिए आया था कि यहां भगवान लीला करने के लिए आते हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी नरसिंह बन के आते हैं, कभी बारह बन के आते हैं, कभी बलराम बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं। सोचा था बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? इसलिए अच्छा नहीं लगा, सत्यनास्ति तपं शोचन दयादानं न विद्यते। न तो यहां सत्य है, सत्य नास्ति, सत्य चला गया। झूठ लोग बहुत बोलते हैं, और इन मुलायों ने तो इतना झूठ सिखा दिया लोगों को कि पूछ रही कि देव आ गया जी, दो घंटे बाद फिर पूछे, बस नेड़े ही। सत्य नास्ति, सत्य गया। तपह नास्ति, तप भी नहीं है। सोचं दानं न विद्यते, सोच कहते हैं शुद्धता, शरीर की पवित्रता। सोचनात्म दानं न विद्यते, कोई दान नहीं। तो क्या करते हैं कि उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिण, बस पेट भरना जानते हैं। माते पिता बालकनी भुलावे, माते पिता बालकनी भुलावे, उदर भरे सोइयान सिखावे, उदर भरे सोइयान सिखावे। चोला पेट भरने के लिए नहीं मिला। पेट भरना तो हर कोई जानता है, निंद्रा मैथुना आहारा सर्वेषां प्राणिना समः, निंद्रा मैथुना आहारा सर्वेषां प्राणिना समः। खाना पीना बच्चा पैदा करना तो हर जीव जानता है, कुतिया भी जानती है, सूरिया भी जानती है, कीड़ा भी जानता है, मकोड़ा भी जानता है, गाय भी जानती है, भैंस भी जानता है, हिरण भी सब जानते हैं। पेट कैसे भरा जाता है, बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। निंद्रा मैथुना आहारा सर्वेषां प्राणिनः समः, सब प्राणियों में बराबर भगवान ने दिया है। लेकिन ज्ञानवान मानस प्रोक्त, मनुष्य को एक्स्ट्रा दिया है। क्या दिया है? ज्ञान दिया है। और ज्ञान ही ना पशु स्मृता, ज्ञान नहीं है तो पशु से भी गिरा है। ज्ञान ही ना पशु स्मृता। नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो बड़ी आशा लेकर के आया था कि यहां मुझे कुछ मिलेगा, धरती पर शांति मिलेगी, लेकिन सत्य नास्ति, तपह सोचन दया दानं न विद्यते, उदरं वर्णो जीवा भरा का कूट भाषण है। जगह जगह झूठ छल कपट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर सारी दुनिया में मैं घूमा, घूमते घूमते मैंने क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गृह, ध्यान से सुन, तरुणी प्रभुता गृह सालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रणयो लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। तरुण
घर में किसकी चलती है? बोलो किसकी चलती? घर में किसकी चलती है? घर वाली की। तरुणी प्रभु का आगे, देखो जी ऐसे नहीं करना, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे भाई को बुला लो, बहुत अच्छी तरह सब कुछ जानता है, उसको वो बढ़िया बना बताए और सुनो भैया से तो बिल्कुल न कुछ पूछ सको। तरुणी प्रभु दागे साल को बुद्धि दाय, अगर बुद्धि लेनी है तो साले को बुलाया जाता है, भाई को नहीं पूछा जाता। तरुणी प्रभु दागे साल को बुद्धि दाय, लड़की लड़काओं के संबंध में जो है सौदे होते हैं, पट गया पट गया, कितने में पट गया? 5 लाख में, 1 करोड़ में पट गया। ये धरती का कलयुग है, परेशान हो गए, नहीं होगी। मैंने कहा चलो गृहस्थियों में नहीं है बात तो योगियों के पास चलते हैं। योगियों के पास गए, न योगी नहीं वो सिद्ध होगा, न ज्ञानी चक्रियो न रह। योगियों के पास गए तो योगियों के बड़े बड़े महल खड़े हैं, परवर की फुर्सत नहीं है। इंसान को अगर देखना है तो उसको प्रातः और सायं देखो। जिस परमात्मा ने ये सुंदर शरीर दिया है उसकी इबादत भगवान करता है कि नहीं? 2 घड़ी बैठ करके उसके लिए बंदगी करता है कि नहीं? जिसने सुंदर शरीर दिया है, जिसने सुंदर घर दिया है, जिसने सुंदर मकान दिया है, पेट भरने के लिए धंधा दिया है, सुंदर पुत्र दिया है, सुंदर पुत्री दी है, सुंदर पत्नी दी है, उस परमात्मा की इबादत 2 घड़ी बैठ के करता है कि नहीं? अगर नहीं करता है तो वो राजा है, महाराजा है, ऋषि है, महर्षि है, योगी है, महायोगी है, तो किसी काम का नहीं है। और करता है तो दीन भी है, गरीब भी है, निर्धन भी है, तो भी धनवान, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है संसार। मैं सारी जगह देखा, घूमते घूमते मैं कहा चलो वृंदावन में चलते हैं, वहां थोड़ी शांति मिलेगी। तो मैं वृंदावन की पावन भूमि में चला आया। एक बार बोलिए वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम को बास भरो। श्री वृंदावन में क्यों बास भला है? वहां रहने को क्यों जी करता है, क्यों मन करता है? श्री वृंदावन धाम को बास भरो, जहां पास बहे जमुना पट रानी। जहां पास में क्या बहती है? भगवान श्री कृष्ण की पट रानी कौन? जमुना जी। किसकी पुत्री? सूर्य देवता की। किसकी बहन? जमराज की। किसकी बहन? जमराज की। श्री वृंदावन धाम को पास बलो, जहां पास बहे जमुना पट रानी। और जो नर नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रज धानी। जो नर नायक ध्यान धरे, तू वैकुंठ मिले तिनको रज धानी। जमुना जमदूतन तारती है, भव तारती है श्री राधिकरणी। जमुना जमदूतन तारती है, तो भव तारती है श्री राधिकरण। जमुना जी तो आपको जमराज के दूतों से बचा लेती है, क्योंकि उसके भैया ही जमराज। कहती भैया उनके पास मत जाना, जो मेरे में आके डुबकी लगाएं, जो मेरा दर्शन करें। ब्रज में एक कविता है बड़ी प्रसिद्ध कि जब जतिया नाए बहन को खाए, और जम द्वारे पे
कबू न जाए। सावन के महीने में दिवाली आती है, कार्तिक के महीने में दिवाली आती और दिवाली के बाद आती है भैया दूज, और भैया दूज वाले दिन जो भाई बहन मिल करके जमुना में स्नान करते हैं वो कभी जमराज के द्वार पे नहीं जाते। तो वृंदावन में कृपा बरसाने वाली दो हैं, एक तो जमुना जी जो जम दूतन तारते हैं और एक भव तारते हैं श्री राधिका रानी, भव सागर से पार कराती है राधा जी महाराज। तो सोच करके समझ करके नारद जी चले, इधर उधर घूमते थे, देखा एक झुंड लगा हुआ है, झुंड में एक स्त्री है, स्त्री के सामने दो बुजुर्ग पड़े हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं। सारे लोग खड़े तो नारद जी भी चले। नारद जी ने देखा इतना झुंड है पर औरत ज्यादा है, बंदा कोई नहीं है, वो इसलिए नारद जी देख करके दूर से और चले कि किसी ने पूछा बाबा तुम यहां क्या करने आए, स्त्रियों का है ये तो झुंड, इसलिए वहां से चले। जब चले तो वहां से आवाज आई, क्या आवाज आई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। हे साधु जी थोड़ी देर ठहरो, ठहरो थोड़ी देर, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, साधु जी थोड़ी देर के लिए रुको, मेरी चिंता को दूर करो, मम चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्व अघहरं परम, तुम्हारा दर्शन सभी पापों को हरण करने वाला है, थोड़ी देर सुनो। नारद जी सोचने लगे मैंने को पिछले पहचान लिया पर मैंने इनको नहीं पहचाना, ये कौन है? इसलिए नारद जी ने प्रश्न किया क्वासि दे त्वां कामिमोचे मां काहं का पद्मलोचना पद देवी सविस्तारं सस्य दुःखस्य कारणं। नारद जी कहते हैं पहले तो देवी जी ये बताओ आप हैं कौन और मुझे कैसे जानती हैं, दूसरी बात बताओ ये तुम्हारे सामने जो पड़े हैं ये कौन है, वो ये आपके आसपास बहुत सुंदर स्त्रियां जो झुंड बनाए खड़ी हैं वो कौन है, हमें बताओ तो सही ये कौन है आप कौन है। तो वो स्त्री कहती है कि अहम भक्ति रते ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम नाडो कार्योगे नजर जरो। देवी कहती है महाराज मैं हूं भक्ति और इमाऊ में तरयो मतो, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, पर क्या हुआ इनको कि काल योगे नजर जरो, समय ने इसको इनको बुढ़ा कर दिया। फिर ये कौन है तुम्हारा ये भी सुन लीजिए कि गंगा ध्या सरस्तचे माम सेवात समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। बड़े देवताओं की पत्नियां मेरी सेवा में आई हैं, ये गंगा मैया है, ये जमुना मैया है, ये बहुत सारी नदियां हैं, ये नर्मदा है, ये कावेरी है, ये सरयू है, ये महेंद्रतर्मा है, ये छप्पणवती है, ये छिप्रा नदी है, रूप धारण करके स्त्री का सब मेरी सेवा में खड़ी है लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। जरथं तं समायातो तेन दुखेन दुखिता साहं तु तरणी कस्मा सतो विधाविवसुता। बड़े आश्चर्य की बात है, मैया जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए हैं और मरणासन्न पड़े हैं, महाराज मेरे लिए इससे बड़ी दुखी क्या बात होगी।
नारद जी कहने लगे, बात तो तेरी ठीक है, दुख की बात है, लेकिन समय कुछ ऐसा है, लोग भक्ति को तो कुछ मानते हैं और ज्ञान वैराग्य तो किसी के हृदय में है ही नहीं। भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, भक्ति को तो लोग करते हैं राधे 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 राधे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के मन में नहीं है। ज्ञान तो आप जानते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे सत्संग सुनेंगे ज्ञानी हो जाएंगे, और ज्ञानी हो जाएंगे तो विराग आ जाएगा। राग होता है एक वैराग होता है, राग का प्रतिबिंब ही वैराग होता है, पर जहां राग है वहां वैराग नहीं है, और जहां वैराग है वहां राग नहीं है, समझे? जहां दिन है वहां रात्रि नहीं है, जहां रात्रि है वहां दिन नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य मरणासन्न पड़े हैं। सुना रही है दुनिया में घूम आई कहीं सुख नहीं मिला, पहले तो मैं भी बूढ़ी थी लेकिन वृंदावन में आकर के मैं तरुणी हो गई। वृंदावन से संयोग पुनस्तरुणी नवा धन्य वृंदावन ते ते भक्ति नृत्य कृष्ण। तो वृंदावन धन्य है जहां आकर के मैं भी तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी तरुण नहीं हुए। भक्ति कहती है महाराज राजा परीक्षित ने बहुत अच्छा नहीं किया, ये कलियुग को मार देते तो अच्छा था, क्यों रख लिया इस कलियुग को, इस कलियुग में आकर के मेरे बेटे जो है जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, मैं क्या करूं। नारद जी कहने लगे, देवी दोष उनका नहीं है, इसमें गुण भी है कलियुग में। कौन सा गुण है कलियुग में? कलियुग में सब अवगुण ही अवगुण है, पर गुण क्या है? कि मानस पुण्य होई नहीं पाप। कलियुग में यह है कि जो मन से किए हुए पाप है वो इंसान को नहीं लगते। सत्ययुग त्रेता द्वापर में आप मन से भी किसी को पाप करोगे तो लग जाएगा, वाणी से भी कहोगे तो लग जाएगा, और कर्म का तो लगता ही है, लेकिन कलियुग में मन से और वाणी से कहा हुआ पाप नहीं लगता, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये अच्छी है कि कलियुग में भगवान का नाम लो भवसागर से पार हो जाओ। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उत नहीं पारा। सुनिए राम गुण ग्राम में लगातार परमात्मा की कथा सुनो, भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। ये कलयुग में अच्छी बात है, बाकी कोई बात अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं मारा कलयुग को महाराजा परीक्षित ने, छोड़ दिया। लेकिन कलयुग में दोष बहुत हैं, गुण बहुत कम हैं। भक्ति महारानी कहती है महाराज फिर कुछ तो करो, कि हाँ करते हैं कोई बात नहीं। भक्ति महाराज कहती है सुनो जी महाराज, नारद जी आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं साक्षात, और सुनो, जयति जगति माया यश काया वदस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलश्य ध्रुव पदम पिया को यत कृपा तो ध्रुवो सकल कुशल पात्र ब्रह्म पुत्र नतास्ने। जय हो आपकी नारद जी, आपकी जय हो। आपने कयादु का पुत्र, कयादु जानते किसका नाम था?
है। कल परसों कथा सुनी है आपने, बड़ी सुंदर कथा हुई जो है हमारे गेरा टेस्ट में बैठे हैं सुरेंद्र जी। कया भी किसका नाम था, हाथ उठा के कोई होता। हाँ जी, प्रहलाद की माता का नाम सत्यवाद। जयति जयति माया यस्य कायावधस्ते, माता के पेट में ही कयादु ने कथा सुनी और प्रहलाद वही ज्ञानी बन गए। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। और यहाँ सुन सुन करके भी ज्ञानी नहीं हो पाते हैं। कितने सुनते हैं पर ज्ञानी नहीं, क्यों नहीं होते हैं? किधर से सुनते हैं, इधर से श्रोता होते हैं, कुछ सोता होते हैं, कुछ तोता होते हैं। श्रोता बनिए मत तोता बनिए मत सोता बनिए। जयति जयति माया यस्य काया वदस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुव पद मापिया तो यत कृपा तो ध्रुव। तुम्हारी कृपा से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतोस्मि, हे सकल कुशल के पात्र ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पुत्रों को ठीक कर देंगे मुझे पता है। लेकिन नारद जी ने सारा जोर लगा लिया, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने सब जोर लगा लिया, कुछ भी बात नहीं बनी। अब तो नारद जी बड़े विचलित हो गए। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठन मुहुर्मुहु, बार बार वेदों के पाठ सुनाए, बार बार गीता सुनाई और बोध मारो तदा तेना कदाचित नहीं उठे। बड़े दुखी हुए नारद। आकाशवाणी में नारद जी दुखी मत हो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। कैसे सफल होगा? तो फिर आकाशवाणी भी एतद्गत सत्कर्मा सरसे तुम समाचर, इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना होगा। अब सत्कर्म क्या किया जाए भाई, चक्कर में पड़ गया, स्पष्ट वाणी नहीं हुई, वाणी ने इशारा किया कि सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म क्या करना चाहिए कोई समझ में नहीं आती है। इधर उधर लोगों से पूछ रहे हैं नारद जी, किसी ऋषि मुनि से पूछते हैं महाराज सत्कर्म क्या होता है। कोई कहता है भैया ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जब तुमको नहीं पता है तो हमको क्या पता है। कई लोग मेरे जैसे होते हैं, ज्ञान तो होता नहीं और ज्ञान की डींग मारते हैं। उनसे पूछा, वो कह रहे जी इस समय तो हमने मौन धारण किया है, बाद में आना। कहीं से कोई साधन नहीं मिला। अब नारद जी बड़े दुखी हुए और इधर उधर भटकते हुए फिर भेंट हुई है सनकाद ऋषियों से। सनकाद ऋषियों से कहा महाराज आप ही बता दो, आप मेरे बड़े भाई हैं। तो सनकाद ऋषि कहते हैं मां चिंता गुरुदेव से हर्ष चित्ते समाव उपायं सुख साध्यं वर्तते पूर्वगे वही। जो साधन है वो तो पहले से ही तैयार है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। साधन है कि क्या साधन है कि अहो नारद धन्योसि विराक्तानां सरोवणे सदा श्री कृष्ण चरणाम नाम पीणो गवास्कर। भगवान के भक्तों में सूर्य के समान नारद जी तुमसे कौन सी बात छोड़ी है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए। तो तुम्हारे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कुमार पुराण की हाँ, अरे वही जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाई और वो चार श्लोक उन्होंने मेरे को सुनाए, वही वाली भागवत की हाँ, वही वाली भागवत महाराज। वो भी तो वेदों से ही प्रकट हुई है,
वो भागवत कहां से आई? वेदों से प्रकट हुई है। तो वेदों से प्रकट हुई है तो मैंने तो वेद पहले ही सुना दिया ऑलरेडी, वेद तो मैंने पहले ही सुना चुका हूं और मैं गीता पाठ बोल रहा हूं बार बार, उनको गीता का पाठ भी सुना चुका हूं। जब उनसे वो ठीक नहीं हुए तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? सारी दुनिया जानती है कि वो भागवत में से ही निकले, भागवत जो है वेदों से निकली है। तो वे वेदों से नहीं ठीक हुए तो वेदों से निकली हुई भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे? कुमार कहते हैं महाराज सुनो, आम का पेड़ देखिए, आम के पेड़ में जड़ में भी रस होता है, तने में भी रस होता है, टहनियों में रस होता है, शाखाओं में रस होता है, पत्तों में भी रस होता है, फूल में भी रस होता है, लेकिन इंसान केवल फल को ही खाता है, न तो जड़ को चबाता, न तने को खाता, न शाखाओं को खाता, न टहनियों को खाता, काय को खाता है? फल को खाता है। पेड़ तो आम का ही है, अरे कोई कह दे कि जड़ चबा लो आम का फल खा लिया, तना चबा लो आम का फल खा लिया, पत्ते खा लो आम का फल खा लिया, नहीं फल ही खाया जाता है। और छोड़ो ये बात छोड़ो, घी कहां से निकलता है? दूध सो जमाते हैं, दही बनाते हैं, फिर रगड़ते हैं, फिर घी निकलता है। और आप जो है पूड़ी बनाने बैठे और आपकी पूड़ी बन रही है, बीच में घी खत्म हो गया, किसी ने कहा ऐसा करो दही डाल दो, दही से ही तो घी बनता है, तो काम चल जाएगा क्या? दूध डाल दो, दूध में से ही तो दही बना, दही में से मक्खन बना, मक्खन में से घी बना, तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चले। आप चाय बनाने बैठो, खीर बनाने बैठो, आपको शक्कर की जरूरत है, और शक्कर काय से बनती है? ईट से बनती है, गन्ने से बनती है, गन्ने से बनती है। अब गन्ने से शक्कर बनती है, आप चाय बना रहे हैं तो आपसे कह दिया जाए कि ऐसा करो काट करके गन्ना डाल दो थोड़ा सा, क्योंकि शक्कर भी तो गन्ने में से बनती है, तो क्या चाय मीठी हो जाएगी, क्या खीर मीठी हो जाएगी? ऐसे ही वेदों से प्रकट अवश्य हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन जो काम भागवत करेगी वो वेद नहीं करेंगे। नारद जी कहते हैं आपने समझा दिया, मैंने समझ लिया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मदांधकार नाशं विदाहित दोदते विवेक। धन्य है आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। नारद जी कहते मैं तो भटक रहा था, कैसे उनको ज्ञान होगा, ज्ञान मेरा भी कैसे खड़े होंगे, लेकिन आपने मेरे मार्गदर्शन किया। और कोई जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं जब तुम जैसा संत मिलता है, संतों की कृपया हो जाती है तो फिर कहना ही क्या है। संत का बड़ा चक्कर है, संसार में लोग कहते हैं पारसमणि बड़ी अच्छी है, सोने को क्या बना देती है, लोहे को क्या बना देती है, सोना। पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, बड़ी अच्छी होती है। तो किसी ने कहा पारसमणि बहुत अच्छी होती है, कोई बेटा पारसमणि नहीं अच्छी होती, पारसमणि से संत अच्छे होते हैं। संत क्यों अच्छे होते हैं? कि पारसमणि लोहे को छुएगी तो सोना बना देगी, पर पारसमणि नहीं बनाएगी। समझ रहे हो? एक बार बोलो बांके जोर से मत बोलो, बगल बगल में कथा हो रही है स्कूल में, वो सुन लेंगे यहीं चले आएंगे। बोलो बांके पारसमणि सोने को छुएगी, लोहे को छुएगी तो सोना बनाएगी।
पारसमणि नहीं बनाए, लेकिन संत अगर संत के संसर्ग में अगर कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए तो संत उसको क्या बना देता है, संत ही बना देता है। पारस में और संत में, सुनिए ध्यान से, पारस में और संत में अरे बड़ो अंतर हो जाने, बोलो हाँ किंचन करे वो कर दे आप समान। पारस मणि लोहे को केवल सोना बनाती है, पारस मणि नहीं बनाती, लेकिन संत अगर संसर्ग हो जाए संत का तो जीव को संत ही बना देता है, और संत क्या भगवंत बना देता है। आग लगी संसार में बरसने लगे अपार, संत न होते जगत में तो ये जल भरता संसार। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। गाई है नारद जी कहते हैं भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित, बड़े जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदम होते हैं तो सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वही। फिर भगवान सत्संग का लाभ जीव को प्राप्त होता है, सारा ज्ञान दूर हो जाता है, सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, जैसे मेरी हो गई। पर प्रभु एक बात बताओ, आप बैठे हैं बद्रीनाथ में और ज्ञान वैराग्य पड़े हैं इस समय वृंदावन की भूमि में, कल्याण कैसे होगा प्रभु? सनकादि ऋषि कहते भैया थोड़ा उतर के तुम आ जाओ, हम आ जाते हैं, थोड़े चल के आप आ जाते हो, बीच में पड़ता है हरि द्वार। तो सुन नारद प्रवक्ष्यामि विनम्राय विवेकिन गंगा द्वार समीपे तो तत्मानंद नामकम्। एक आनंद नाम का तट है गंगा जी का, सुंदर रेती है, वहां पर बट का एक वृक्ष है, उस बट वृक्ष के ऊपर ही बना दीजिए एक सुंदर जो है मंच बना दीजिए, और रेती में सब सुनने वाले बैठ जाएंगे और वही पर कथा करेंगे। आप वृंदावन से लेकर के ज्ञान वैराग्य और भक्ति को आ जाओ, हम उतर करके यहाँ आ जाते हैं। निश्चित हो गया समय दिन सब कुछ मुकर्र हो गया, ऋषि मुनियों को पता लगा कौन कौन ऋषि चले आए। प्रभु वशिष्ठ चमनश्च गौतम मेघातिथि देवल को देवरात राम तथा गावि सुतश्च साकलो प्रखंड पुत्रो दिजि पिप्पलादा। सभी ऋषि बुना बुनाई चले आए, योगेश्वर महाराज, पराशर जी महाराज जी, छाया सुख जाजली और जितने भी ऋषि मुनि थे अपने अपने शिष्यों को, पत्नियों को, पुत्रों को, सबको साथ लेकर के कथा के प्रांगण में आ गए। वेद वेदांत घोष होने लगा और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आ गए। पूजा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ हुई। आजम मात्रमपि येन सखेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वश्च खरवद्दुत तेन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने अपनी जिंदगी में भागवत की कथा नहीं सुनी उसने बेकार जन्म लिया, उससे तो गधा अच्छा है, उससे तो कुत्ता अच्छा है, उससे तो दुनिया अच्छी है। उसने अपनी माता के गर्भ में बेकार जन्म लिया, मैया का जीवन बेकार छीन किया। जननी जनय तो पुत्र जने, जननी जनय तो पुत्र जने, के दाता के सूर ना ही तो जननी बा
तो या तो दानी हो के दाता के सूर भी हो ना है तो जननी बांध रहे फिर काये गवावे नूर ना है तो माता फिर बांध रह जाए काये को अपने जीवन को बेकार करे। तो दीक्षा युक्त होकर के भागवत की कथा श्रवण। किसी ने पूछा इस भागवत को इतना बड़ा क्यों महत्व मिला, इतना बड़ा महात्म श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों मिला? तो सुनिए, मैं पहले भी बता चुका आगे बताऊंगा। यथा कृष्णो धरां त्यक्त्वा सुमिरं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिष्टत्वा उद्धवो वाक्यं ब्रवीत। जब धरा धाम को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो उद्धव ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? तो मैया शिष्य गोविंद भक्ति कार्य विधाय चिंते महती चिंता काम छुटवा सुखम आगत। हे प्रभु आप भक्तों का कार्य करके वैकुंठ जा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ अभी कलयुग आ रहा है और कलयुग में भक्तों का सहारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा मैं अपने एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में समा जाता हूं। ये उद्धव जो मेरे दर्शन इसके भागवत के दर्शन करेगा उसको मेरे ही दर्शन का फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप भागवत में त्रोहित कर दिया। यहां लिखते हैं कि तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि श्रेवा श्रवण पाठा दर्शना पापनाशिनी। इसीलिए भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है। इनकी सेवा करने से, इनका दर्शन करने से, इनका स्पर्श करने से समस्त पापों का समूल नाश हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो भक्ति की कथा चलने लगी। श्रोता है सभी, भक्ता है। शरद कुमार जी महाराज चारों ऋषि पुत्र विराजमान होकर के कथा कह रहे हैं, सारे श्रोता सुन रहे। भक्ति जी महारानी कह रही मैं कहां बैठूं, मेरे लिए बैठने के लिए जगह बताओ। तो कहने लगे बैठने के लिए जगह तो बड़ी सुंदर है आपके लिए। भक्ति गोविंद रूप प्रेम स्वातंत्रतिष्ठते सुधैर्य संशया निरंतरं वैष्णव मानवासी। जो भगवान नारायण का भजन करते हैं उन भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी आप जाके के विराजमान हो जाओ। भक्ति क्या है क्या थोड़ा से विचार, भक्ति क्या है थोड़ा सा विचार करो। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की दो पत्नी है, एक है माया और एक है भक्ति। देखा देखी माया सर्वविध गाड़ी, ये माया क्या करती है जीव को बांधती है। माया जीव को बांधती है, बंधन में डालती है और भक्ति महारानी मुक्त करती है। भक्ति महारानी एक मां के समान है। मां के समान कैसे है?
तो एक माँ छोटे बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, शुद्ध करती है, पवित्र करती है, पावन कर देती है, पवित्र करके बिस्तर को सुला देती है। बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, जब वो रोने लगता है और वो काम कर रही है तो कहती है उठा लेना जी, जरा सेठ जी जरा उठा लेना बच्चे। सेठ जी ने बच्चा उठा लिया, गोद में ले लिया, और लेने के बाद थोड़ी देर बाद ही बच्चे ने फोर्टी कर दिया। तो सेठ जी चिल्लाएंगे, बच्चा तो उनका भी और बच्चा माता का भी है। सेठ जी चिल्लाएंगे, रे दौड़ के आ, कहां रही भाग्यवान, इसने तो 40 कर दी। वो दौड़ के आती है, उसको साफ करती है, शुद्ध करती है, पवित्र करती है, और पवित्र शुद्ध करके फिर उसको पिता की गोद में दे देती है। हे पिता दादाजी, हे सेठ जी, लो अब ये कॉन्फिडेंस है, घंटे दो घंटे कुछ नहीं करेगा। भक्ति महारानी भी ऐसे ही माँ के समान, भक्ति महारानी जीव को शुद्ध करती है, उसके पापों को नाश करती है, उसके पापों का खंडन कर देती है, पाप से, संताप से, ताप से सबको छुड़ा करके और परम पिता रूपी पिता की गोदी में डाल देती है। लो जी शुद्ध हो गया। तो माया जीव से, भगवान से जीव को दूर करती है और भक्ति भगवान से जोड़ती है। या भक्ति का ही प्रसंग हम चला रहे हैं, चल रहा है, तो भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान है, भक्ति जीव को भगवान से जोड़ती है। आज भक्ति का दुख निवृत्त हुआ, सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, ज्ञान वैराग्य दोनों खड़े होकर के नृत्य करने लगे। तो किसी ने पूछा कि ये भागवत कथा किस किस को पवित्र करती है, तो बताते हैं कि ये मानवा पाप कथास्तु सर्वदा, सदा दुराचार लता बिमारदा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाशकामिना, सत्ताहय केन कलो पुनन्तिते। ये मानवा पाप कृतास्य सर्वदा, जो सदा पाप में लगे हैं ऐसे मनुष्य, सदा दुराचार लता बिमार लता, जो सदा बुरे कर्मों में लगे हैं, अच्छे मार्गों पर कभी नहीं चलते, क्रोध की अग्नि में जो जल रहे हैं, सत्ता ज्ञान है कि उसको पवित्र कर देती। सत्ते नहीना पितृ मात्र दूषका, जो कभी सच नहीं बोलते, झूठी झूठ बोलते हैं, माता पिता का जो अनादर करते हैं, जो पंचोग्र पाप करते हैं, पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा। किसी ने पूछा महाराज जो पंचोग्र पाप होते हैं उनके बारे में जरा विस्तार से बताइए, ये पंचोग्र पाप क्या होते हैं। तो पहला पाप है, ध्यान रखिए, अगर इन पापों में से कोई पाप आपके पास है तो यही छोड़ जाना, हमको उसको पाल लेंगे कोई बात। कौन कौन से पंचोग्र पाप है? पहला पाप है मदिरा पान, पहला पाप है मदिरा पान, दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करनी, ब्रह्म हत्या, तीसरा पाप है स्वर्ण चोरी, सोने की चोरी करना, चौथा पाप है गुरु स्त्री का घमंड करना, गुरु की पत्नी को बुरी नियत से देना, और पांचवा पाप है विश्वासघात। ये पंचोग्र पाप, ये पांच बड़े बड़े पाप। तो सत्ता यज्ञ करने वाले इससे भी जो है तर जाते हैं। किसी ने कहा महाराज कोई उदाहरण है, हर कोई एग्जाम्पल चाहता, एग्जाम्पल बताइए। किसी का उदार हो गया सत्ता सुनने से, कोई तर गया भवसागर सत्ता सुनने से, अगर कोई तर गया तो कृपा करके हमें बताइए। तो कहने लगी सुनिए, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वभेद विशारदः, सोतिस्मा तृष्णाणो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे,
बड़े ज्ञानी थे, सभी धर्मों को जानते थे, भगवान सूर्य की उपासना करते थे, गायत्री माता का जाप करते थे, तेज इतना था जैसे मानो दूसरे सूर्य ही उदय हो। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बड़े सानंद अपने गृहस्थ का पालन कर रहे थे। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन इसके विपरीत उनकी पत्नी थी, वो घर के काम कार्य में तो बड़ी चतुर थी, लेकिन उसमें कई ऐसे अवगुण थे जिसके कारण उसका नाम ही धुंधली था। धुंधली कुबुद्धि को कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। धुंधली का मतलब है कुबुद्धि। हमारे पास एक तो बुद्धि है और एक है कुबुद्धि। कुबुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है? एक संत नहीं चले जा रहे थे तो संतों को एक छोटी सी कन्या दिखाई दी, सुंदर सी। संतों ने कन्या से पूछा, बेटी तू कौन है, तेरा क्या नाम? लड़की बोली, महाराज मेरा नाम है बुद्धि। संतों ने पूछा, बेटा कहाँ रहती? तो बुद्धि ने कहा, मैं यहाँ खोपड़ी में रहती हूँ। संतों ने कहा, बुद्धि खोपड़ी में रहती है, अच्छी बात। थोड़े आगे निकले तो एक 18 साल का लड़का निकला मिला। 18 साल के लड़के से पूछा, बेटा तू कौन है? और कहने लगा, करके मेरे को नहीं जानते? कि नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानता। कि मेरा नाम है क्रोध। क्या है? क्रोध। कहाँ रहता है भैया तू? बेटा कहाँ रहता है? संतों ने पूछा। अरे मैं यहाँ बुद्धि में रहता हूँ। अरे झूठ क्यों बोल रहा है, खोपड़ी में तो बुद्धि रहती है, तू कहाँ से रहता है? तो वो लड़का कहने लगा, हे बाबा तुम्हें नहीं पता, जब क्रोध होता आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध पाप कर मूल, पापों का जड़ है क्रोध। इसलिए तो कुबुद्धि थी, जिसकी बुद्धि पर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का पर्दा पड़ जाए, उसी को कुबुद्धि कहते हैं, उसी को धुंधली कहते हैं। बुद्धि तो सबको भगवान ने दी है, सब सोचने में सक्षम है, सभी को अच्छा, सबको भगवान ने अच्छा दिया है, लेकिन कईयों की जैसे अग्नि पर थूम आ जाती है, अग्नि दिखाई नहीं देती। अग्नि पर सुहा जम जाती है, अग्नि दिखाई नहीं देती। अग्नि पर राख जम जाती है, अग्नि दिखाई नहीं देती। अग्नि तो है लेकिन ऊपर से क्या हो गया है, धूम आ गया है, ऊपर से राख जम गई है, ऊपर से पर्दा पड़ गया है धूम का, अग्नि दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही बुद्धि पर काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, मोह का जब पर्दा पड़ जाता है तो बुद्धि ही धुंधली हो जाती है, उसका नाम था धुंधली। सब कुछ भगवान ने दिया था लेकिन पुत्र नहीं था। पुत्र के बिना पंडित जी एक दिन बड़े दुखी हुए और सोचने लगे, बेकार है जीवन को जो पुत्र नहीं है मेरे घर में, क्या करूं मैं। तो एक दिन वन में चले गए, जंगल में। जंगल में जाकर के बहुत रोए और रो करके चिता बनाई। चिता बना करके सोचने लगे, इस चिता में अब समा जाएंगे। आचमन किया, बगल में सरोवर था, सरोवर में आचमन किया, शुद्ध हुए, परमात्मा का ध्यान किया। रोते रोते चिता में बैठने के लिए तैयार थे, इतने में एक यति आ गए। यति मतलब साधु। महात्मा जी पूछने लगे, कौन है भैया तू? मैं फोन करूंगी। और क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूं, मेरे कोई संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूं, आत्महत्या करने के लिए आया हूं। यति कहने लगे, सुन भैया, मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलता, बड़ी भगवत कृपा होती है तब कहीं मानव चोला जीव को प्राप्त होता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति
विवेकं तु समासाद तज संसार वासनां। ये तो चाह रहा है, पुत्र पुत्र कर रहा है, तेरे भाग्य में नहीं है तो तुझे कैसे मिल जाएगा, इसलिए यह बात को छोड़। पंडित जी कहते हैं महाराज ज्ञान से काम नहीं चलेगा, देना है तो पुत्र दीजिए, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। मैं अभी यहाँ आत्महत्या करने की तैयार हूं, मैंने चिता बना ली है, मैं अभी अग्नि लगाऊंगा, समा जाऊंगा और आपके सामने सामने समा जाऊंगा। ऐसे कहकर के पंडित जी ने धड़ाम से सर खोपड़ी पकड़ पटक दी धरती में। यति कह रहे भैया ऐसा क्यों करता है, बस बस एक और मार मारे। यति कहने लगे भैया मेरे सामने तो ना मर, कि नहीं मर, अगर मुझे चाहते हैं कि मैं नहीं मरूं तो मुझे पुत्र दीजिए। यति कहने लगे भाई ये कुहत्या लगी हमसे, हमने क्या रोक लिया इसको मरने से, क्या टोक दिया हमको तो हत्या लगी बिना बात की। यति ने एक झोली से निकाला फल और कहा भैया ये फल ले जा अपनी पत्नी को खिला देना। और फल खाते ही कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करें और तस्मा पुत्रो अति निर्मला, फिर बड़ा सुंदर और निर्मल पुत्र होगा। क्या क्या नियम है, तो कहा सत्यम सोचम दया दानम एक भक्तिम च भोजनम। सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, और क्या करना है कि दोनों समय भगवान का भजन करना है, शरीर को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, दान भाव रखना है, दान देना है, एक बार भोजन करना है, एक साल तक ये नियम पूरा करना है, वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रवती निर्मला, एक साल ये नियम कर लो और सुंदर पुत्र पैदा होगा, निर्मल पुत्र पैदा होगा। बड़ी विचित्र बात है, मैं सत्य बात कहना चाहता हूँ, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं ज्यादा, बंदे तो बहुत कम हैं, लगता है फरीदपुर में इतने ही हैं, बाकी बिहारी लाल की। तो देखिए शास्त्र हमारे कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती हो तो उसको परमेश्वर से ही मन लगाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि कयादु के पेट में बालक था और नारद जी का संसर्ग मिला और वो परम ज्ञानी हो गया। किसका बेटा था, हिरण्यकश्यप का, महाराक्षस का। कैसा बन गया, परम भागवत बन गया। अगर टीवी में कलर दिखाओगे ना, कलश टीवी पे वो आते हैं, वो ये बहुआ आज की देखती हैं, मेरा निवेदन है कि वहां से कोई शिक्षा नहीं मिलती है। अगर आपने कुछ देखना है तो भागवत की कथा लगाओ, आपने कुछ देखना है तो गीता के पाठ सुनो, मेरा निवेदन है मत पति को भ्रष्ट करो। कैसे सास से लड़ा जाता है मसी को, क्यों सीखती है बातों, अच्छी बात भी आती है टीवी में, ऐसी बात नहीं, टीवी टीवी जरूर है लेकिन उसमें अच्छी बात भी आती है। श्री पाराशर साधना भी उसमें आती है, लगा लेना चलेगी और कथा आएगी। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री को बड़ा पवित्र रहना चाहिए, तभी पवित्र पुत्र पैदा होता है। किसान अपने खेत को पवित्र करके बीजारोपण करता है तो अत्यंत सुंदर फल पैदा होता है, अगर वो जोते नहीं, उसको कमाए नहीं खेत को और फिर बीज डाल दे तो बीज भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही स्त्री का तन मन जितना पवित्र होगा, पुरुष का तन मन जितना पवित्र होगा, वैसा ही पुत्र पैदा होगा। तो उन्होंने पंडित जी ने फल लाकर देख दिया और बता दिया कि ऐसे ऐसे नियम करो। अब कुबुद्धि तो कुबुद्धि होती, वो सोचने लगी पहली बात तो मैं तरुणी हूं, और सोचने लगी कि अगर मैं फल खा लूं तो उदर वृद्धि होगी, उदर वृद्धि होगी तो कहीं मान लो आग लग गई घर में, उल्टा सोचना ही कुबुद्धि है, घर में आग लगी दुनिया भाग जाएगी, मैं तो जल जाऊंगी। और देवा घाटी ब्रजेगा तो पलाए गर्भिणी कथम, अगर गांव में चोर आ गए
दुनिया भाग जाएगी अपना अपना माल लेकर के, मैं गर्भवती होंगी तो मेरे से भागा नहीं जाएगा। चलो ये भी नहीं हुआ तो सुखदेव की तरह 12 साल बैठा रहा तो मैं क्या करूंगी, मान लो ये भी झेल लू तो कल को नंद को बुलाना पड़ेगा और नंद सुन सकेल के सारा ले जाएगी। ऐसी सारी कुतर्क तर्क करके उसने फल नहीं खाया, लेकिन चिंता में थी कि पंडित जी को क्या कहूं। उसी समय उसकी बहन आ गई, अब जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन होगी। बहन ने कहा बेटी बहन क्या चिंता है तुझे, कि चिंता बड़ी चिंता, ये तेरे जीजा कहीं से फल ले आए हैं, कह रहे इसको खा ले तेरे गगर में रह जाएगा, बताओ मैं ये तो होकर ही नहीं सकती, सारी बात बताई। उसने कहा बिल्कुल चिंता ना कर, तेरी चिंता मैंने दूर कर दी, समझे कैसे कि मेरे 4-5 पहले ही हैं और एक अब पेट में है और मेरे को लगता है लक्षण से लड़का ही होगा। क्या होगा लड़का, एक होता है पुत्र, ध्यान दीजिए सुनिए, एक होता है पुत्र और एक होता है लड़का। पुत्र का शब्द का अर्थ बनाएंगे तो कुह क्लस्त्र दो शब्दों से बनता है पुत्र, कुह क्लस्त्र बना पुत्र, कुह का मतलब होता है नरक और त्र का मतलब होता है तारने वाला, पुत्र का मतलब हुआ तारने वाला और एक होता है लड़का। लड़का का मतलब होता है लड़ता ही लड़ता रहता है, ये नहीं लाके दिया पापा, ये नहीं लाके दिया पापा, ये नहीं लाके दिया पापा, ये लड़का है। तो लड़का मेरे होगा, इन्हीं का पुत्र लड़का होगा, मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पति लालची हैं, तू कुछ धन देना, तेरे पास धन की कमी नहीं, ठीक है। सौदा हो गया। उसने कहा ये फल क्या करूं, कि ये गाय को खिला दे, फल गाय को खिला दिए, झूठ मूठ कह दिया पंडित जी को कि तुमने दिया मैं फल खा लिया, बड़ा हराम है। पंडित जी तो काजू बादाम किशमिश ला के देने लगे, बढ़िया हुआ मेरा बच्चा, इसलिए खूब खिलाया, समय आने पर उसने बच्चा दे दिया, समय आने पर गाय के भी बच्चा, अब तो नाम ही नाम हो गया पंडित जी का। जो गाय का बच्चा हुआ वो साक्षात देव स्वरूप हुआ, बस उसके कान जो थे वो थोड़े गाय के से थे, इसलिए उसका नाम पंडित जी ने गौकर्ण रख दिया। जब दूसरे बच्चे का नाम रखने की अभी बात आई तो धुंध भी कहने लगी बच्चा मेरा है कि तुम्हारा, तेरा है, अरे तुम्हारा बच्चा गाय के पैदा हुआ तुमने नाम गोकर्ण रख लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, अब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैं तो नाम नहीं रखूंगी, यहां तुम रख लो, ये मेरा नाम है धुंधली और मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। दोनों को पढ़ाया गया तो गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल, गौकर्ण बने ज्ञानी बने और धुंधकारी महामूर्ख बने। पर स्त्री गमन करना, बड़ा होकर चोरी करना, लोगों के बच्चों को पटक के कुएं में गिरा करके मार देना उसका शौक, पराई स्त्री रमण करना उसका शौक था, जुआ खेलना उसका बहुत बड़ा शौक। हमारे गांव के बनिया थे मिट्ठन लाल, वो अपने बच्चे को समझा रहे थे, एक दिन कह रहे थे बेटा काठ के जुए से बैल हार जाता है, काठ के जुए से बैल हार जाता है, चांदी के जुए से क्या बनेगा। जो चांदी का जुआ खेलते हैं उनका क्या हाल होगा। तो सारा जुए में हार गए। एक दिन पंडित जी ने देखा कि एक जुआरी कि हाथ में उसकी अंगूठी पहनी हुई है, पंडित जी का नाम लिखा था उसको, पंडित जी ने पूछा हो भैया तुम्हारी ये मेरी अंगूठी, अरे तेरी अंगूठी, तेरी सारी घरवाली का गहना सब बेच दिया तेरे बेटे ने जुए में और जुए में ही मैंने जीती है, ये मेरी है।
पंडित जी ने आगे घरवाली से पूछा तो कोई जवाब नहीं था। पंडित जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे। पहले तो पुत्र के लिए रोए थे कि पुत्र नहीं है, अब पुत्र हो गए तो पुत्र के लिए रो रहे हैं कि ये पुत्र बड़ा दुखदाई है। किसी ने कहा है पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पूत कपूत है तो क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो गवा दे, पूत सपूत है तो क्यों कर रहे हो अपने आप ही गवा दे। आज पंडित जी बड़े दुखी घूमते घूमते चले आए गोकर्ण भगवान। गोकर्ण भगवान ने अपने पिता को देखा बड़े दुखी। पुत्र का मतलब अभी मैंने बताया था कि पोह प्लस्तर नरक से तार दे उसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र के आगे पंडित जी रोने लगे। पुत्र ने कहा पिताजी रोने की कोई बात नहीं छोड़ो। मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं मोहितो नरको गति, ये सब आशा छोड़ दो, कोई किसी का दुनिया में नहीं, कैसी छोड़ दो बेटा, इस पुत्र ने तेरे भाई ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, कैसी छोड़ दो। गोकर्ण कहने लगे मत छोड़ो, एक दिन तुमको ये लोग छोड़ दें, जब मर जाते हैं तो छोड़ाते हैं कि नहीं है? लकड़ियों के बीच में दबाते हैं फिर आग लगा के जलाते हैं फिर तिनका तोड़ करके पीछे को सिताते हैं, हमारा तेरा रिश्ता खत्म। अगर सपने में भी दिखाई दे जाए तो फोन करते हैं, हेलो पंडित जी शिव मंदिर से बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ। वो रात को पापा जी दिखाई दिए जी, झाड़ा कर दो। हाँ सत्य अगर सपने में भी आप दिखाई दे गए तो लोग झगड़ा झाड़ा कराने के लिए मेरे पास आते हैं, क्या रिश्ता है, छोड़ देंगे एक दिन जी हमें, उससे पहले हमें ही इनको छोड़ देना चाहिए। देह हस्ते मा सिर रही अभी मैं तन तजस्तम जाया सुता विसु सदा ममता विमुंच पश्यानि संजगदिदं छगभंगुनिष्टं वैरागराजिरसिको भवभक्तिनिष्ठा। कहने लगे ये शरीर मांस और हड्डी का बना हुआ पुतला है, कुछ नहीं है इसमें, इसकी ममता छोड़ दी। मल और मूत्र भयो नर सब तन है निष्फल चाम जगत में चोला है बेकाम। अरे बिन हर भजन पवित्र न होगो चाहे धो आठो याम, भजन बिन चोला है बेकाम। कितना भी तेल साबुन लगा लो शुद्ध होने वाला नहीं, शुद्ध होगा तो कैसे, परमात्मा के नाम के साबुन से शुद्ध हो। इसलिए इसकी ममता को छोड़ दो, फिर क्या करूं। बाप ने कहा बेटे से फिर क्या करूं, तो गोकर्ण भगवान अपने पिता आत्मदेव से कहते हैं सुनो पिताजी, धर्मं भवस्य सततं त्यजलोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कदरत भो नितराम विवक्ता। धर्मं भजस्व सततम्, लगातार धर्म का सेवन करो और संसार के धर्म को त्याग दो, लोक धर्म को त्याग दो, लगातार साधु संतों की सेवा करो और काम तृष्णा को बिल्कुल ही त्याग दो। दूसरों के अवगुण मत देखो, अपने अवगुण देखो कि मेरे में कितने अवगुण हैं। सेवा करो साधुओं की संतों की और लगातार परमात्मा के नाम का अमृत पान करो, कथा रस पान करो। ऐसी सुत ने पुत्र ने दो श्लोकों में सा
कर दिया। और श्री कृष्ण अपनी तंद समस्त पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण का दसवें स्कंध का पाठ करके भाव सागर से आत्मदेव तर गए। गोकर्ण भगवान ने कहा ये आज नहीं तो कल मेरे को भी तंग करेगा, इसलिए वन में चले गए। रह गई माँ अकेली धुंधली। अब धुंधकारी ने धुंधली का गर्दन पकड़ ली और कहा निकाल पैसा कहाँ है, पिता गया तुझे ही दे गया होगा। मारा बुरी तरह से, लातों से मारा, घूसों से मारा, डर के मारे किसी कुएं में गिर करके उसने भी अपना प्राणांत कर लिया। अब निर्द्वंद हो गया, पांच वेश्याओं को घर में ले आया। हम भी पांच वेश्याएं घर में रखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच वेश्या हैं, पांच इंद्री, उनको ला करके किसी राजा के घर चोरी की, चोरी करके बहुत सारा धन लेके आए। और वेश्याओं ने देखा ये राजा के घर चोरी करके लाया, आज नहीं तो कल भेद खुलेगा, हम पकड़े जाएंगे, ये पकड़ा जाएगा हम भी पकड़े जाएंगे इसके साथ, ये मरेगा हम भी इसके साथ में मरेंगे, इसलिए अब ऐसा करो यही भेद रह जाए, इसको यही मार दें। रात को सोता हुआ बांध दिया, शराब पिलाई और बांध दिया, और बांध करके चलती हुई लकड़ियां मुंह में ठूस ठूस करके तड़पा तड़पा के मार डाला, मर गया। गोकर्ण भगवान ने सुना तो जाकर के गया जीवन श्राद्ध कर दिया, तर्पण आदि कर। कुछ देर बाद गोकर्ण भगवान लौट के आए तो देखा कभी कोई भैंसा बन के आता है, कभी कोई बैल बन के आता है, कभी कोई आग बन के आता है, कभी नाग बन के आता है। गोकर्ण भगवान समझ गए, उन्होंने कमंडल से जल लिया, अभिषेक किया, छिड़का और पूछा तू कौन है, तो वो कह गया अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनावत स्वकीयेन दोषेन ब्रह्मत्वं नश्चितो मया। हे महाराज मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मैंने ऐसे बुरे कर्म किए कि ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, मैं प्रेत हो गया। कहने लगे भैया तू प्रेत कैसे हो, मैंने तो तेरे लिए बड़े बड़े जो है दान किए, गया जी में पिंड दान किए, तू प्रेत कैसे हो गया। कि महाराज मैं प्रेत हूं, इन पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे लिए कोई और ही उपाय करो। गोकर्ण भगवान सूर्य के उपासक थे, सवेरे उठ के उन्होंने सूर्य की उपासना की, प्रणाम किया और कारण पूछा कि मेरे भाई का कल्याण कैसे हो। उन्होंने कहा बता तो देंगे लेकिन सवेरे बताएं, कल की कथा में बताएंगे कैसे कल्याण होगा। सूर्यदेव भगवान बोले कल की कथा में 18 तारीख को शाम को 5:30 बजे को कथा शुरू होगी, उसमें बताया जाएगा कि गोकर्ण भगवान के भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे हुआ। कथा को यही विराम देते हैं, निवेदन करते हैं कि जी ऊपर भोजन लगा हुआ है, हमारे कावड़ संघ के मेंबर आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं, बिल्कुल तैयार।